बारिश और तूफान से सावधान, मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। राज्यों में जमकर बरसेंगे मेघ, भारी बारिश ने बढ़ाई कई राज्यों की टेंशन। देखिए बारिश के बड़े अपडेट पर ये खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में मॉनसून की झमाझम बारिश हो रही है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं बिजली गिरने से लोगों की जान चली गई, तो कहीं नदियों के तेज बहाव से भारी नुकसान हो गया है। असम में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों में उफान आने के बाद से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दो लोगों की जान भी चली गई है, जबकि दिल्ली समेत 19 राज्यों में 3-4 दिन भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की स्थिति पर IMD ने बताया कि वर्तमान में मॉनसून एक्टिव फेज में है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अगले दो दिनों तक विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई 2024 तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 3 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कई राज्यों में मॉनसून एक्टिव फेज में है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दो दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, पूर्व उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्से के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून एक्टिव है। ऐसे में अगले 2-3 दिनों के दौरान सभी हिस्सों में मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है। असम और मेघालय में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। पंजाब में 2 दिन अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की अत्यधिक संभावना है। उत्तराखंड में 4 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।